हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पे चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सेवाएं, कमोडिटी ब्रोकिंग सेवाएं, फाइनेंसिंग फंड आधारित सेवाएं, धन प्रबंधन और मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है। इसको थोड़ा डिटेल से जानकारी हासिल करते हैं। व्यावसायिक पेशकश है, कंपनी की पेशकशों में खुदरा ब्रोकिंग, वित्तीय उत्पाद वितरण, संस्थागत ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड निवेश, गैर बैंकिंग वित्त, कमोडिटी ब्रोकिंग, मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियां और रियल एस्टेट गतिविधियां शामिल हैं। तो ये कंपनी रियल एस्टेट से भी संबंधित है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कंपनी अपने स्वयं के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म IGSL ट्रेड का मालिक है और उसका संचालन करती है, जो खुदरा व्यापार और निवेश के लिए स्मार्टफोन पर उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2011 में खंडवा राजस्व इस प्रकार है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इन्वेंचर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, यह कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इस कंपनी का एक सहायक कंपनी है जो कि इन्वेंचर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है। यह एक NBFC है जो ऋण देने और संबंध सेवाओं में लगी हुई है। यह उपभोक्ता ऋण छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों SME ऋण और वाणिज्यिक ऋण पर केंद्रित है। सहायक कंपनी ने भारत के भीतर असुरक्षित ऋण दिया है, यानी कि सुरक्षित ऋण के बदले असुरक्षित ऋण दिया भी है, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 के अनुसार 100 करोड़ है। वित्त वर्ष 2011 में इसका मुनाफा 10 करोड़ यानी कुल मुनाफे का 81% था। और इस कंपनी पर एक बार सेबी ने सेबी के द्वारा एक दोष पाया गया था, जिसके कारण 10 लाख का जुर्माना भी लगाया था, जो कि 2 करोड़ की नॉन रिपोर्टिंग इनकरेक्ट रिपोर्टिंग, नॉन अपलोडिंग एंड नॉन सबमिशन ऑफ डिटेल ऑफ क्लाइंट्स सिक्योरिटीज, इससे संबंधित 2 करोड़ का, जो कि इसका रिपोर्ट गलत था, जिसके वजह से 10 करोड़ का 10 करोड़ का इस पर जुर्माना 10 लाख का जुर्माना लगाया था। तो अब चलते हैं इसके मुख्य डाटा पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 2.40 रुपया इसका करंट मार्केट प्राइस है। व्यवसाय के बारे में जान गए हैं। बाजार आकार 202 करोड़ का है, यानी कि मार्केट कैप, मौजूदा कीमत यानी कि करेंट प्राइस 2.40 रुपया पर शेयर है। 52 वीक का हाई लो अगर देखते हैं तो 3.25 रुपया और 1.45 रुपया है। स्टॉक पी 25.8 है, अच्छा है पी रेशियो इसका। और बुक वैल्यू 2.49 रुपया है, बुक वैल्यू से कम पैसे पर ट्रेड कर रही है, 9 पैसा कम पे। ROCE 6.13% है, ROE 4.54% है, अंकित मूल्य
यानी कि फेस वैल्यू एक रुपया है, रिटर्न ओवर 5 ईयर्स 11.4% है और 3 साल का 12.0%, यानी कि 12%। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर्स का अगर देखते हैं तो 3.27% है। सेल्स ग्रोथ अगर 3 साल का देखते हैं तो 17.7% है और 6 महीना का रिटर्न अगर देखते हैं तो 26.3%। पीजी रेशियो 1.69, करेंट रेशियो 4.01, इंटरप्राइजेज वैल्यू अगर इसका देखते हैं तो 102 करोड़ का है, 1 ईयर का चार्ट देखने से ऐसा लगता है कि कुछ समय कंसोलिडेट करेगा और कंसोलिडेट ही करेगा मेरे आइडिया अनुसार। क्योंकि इसके पास तो रिजर्व तो है लेकिन उसका यूज सही से नहीं हो रहा है। इसमें प्रोज 3 है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट, मतलब ये अपने बुक वैल्यू से इतना टाइम से नीचे पर ट्रेड कर रही है 0.97, और क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा देने की उम्मीद है। और तीसरा है डेबिटर डेज जो है वो इम्प्रूव हुआ है, 42.7 दिन से बढ़ करके 27.8 दिन हो गया है। और कॉन्स 3 है, ये रिपीटेड प्रॉफिट दे रहा है और प्रमोटर होल्डिंग कम है जो कि 26.4% है टोटल। पीयर कंपैरिजन अगर देखते हैं तो इस तरीके से है, टोटली 158 कंपनी है, जून 2023 क्वार्टर का अगर रिजल्ट देखते हैं तो पहले से उतना बेटर तो नहीं है, फिर भी प्रॉफिट में ही है। नेट प्रॉफिट 73 लाख का है और ईपीएस 1 पैसा है। लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं रिजल्ट तो नेट प्रॉफिट 7.80 करोड़ का है जो कि ईपीएस 10 पैसा। अगर बैलेंस शीट देखते हैं तो इस प्रकार है, मार्च 2023 का शेयर कैपिटल 84 करोड़ का है, रिजर्व 124 करोड़ 76 लाख का है, यही है। इसके पास रिजर्व अच्छा खासा है लेकिन यूज नहीं हो रहा है सही से। ब्रोइंग है 32.48 करोड़ का। और देखिए इन्वेस्टमेंट नाम मात्र का है, 1.48 करोड़ का, यानी कि इसका मैनेजमेंट गड़बड़ है मेरे हिसाब से। टोटल एसेट 277 करोड़ 26 लाख का, इसका मैनेजमेंट अगर अपना दिमाग यूज करे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है इस कंपनी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके पास रिजर्व है जिस लेवल में है ये कंपनी। नेट कैश फ्लो जो है 66 लाख का है,
शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि ऊपर मैं बता चुका हूँ, प्रमोटर होल्डिंग 26.40% जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से है स्थिर है, और पब्लिक होल्डिंग 73.60%। या तो प्रमोटर या पब्लिक, FIIs और DIIs के पास में कुछ भी नहीं है इसका शेयर। और नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स अगर देखते हैं तो 2,28,993 लोगों के पास में इसका शेयर है। एनुअल रिपोर्ट जो कि जारी किया है, और क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें बताया गया है कि 1 अक्टूबर जो कि आज के दिन, जब से यह अपना अनऑडिटेड क्वार्टरली रिजल्ट घोषित करेगा उस वक्त से 48 घंटा तक के लिए इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होगा, यानी कि इसके प्रमोटर या प्रमोटर से रिलेटेड जो कि उनके रिलेटिव होंगे वो लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी पर मैं ये वीडियो को स्टॉप करता हूँ। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।